हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे मूवी देख के मजा आ गया यार। हम लोग ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि कल हमारा कोई एग्जाम ही नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एग्जाम खत्म होने के बाद फिर आऊँ ये फिल्म देखने। दोबारा झेल पाएगा इसको। अरे यार, तुम्हारी बहन की शादी में बड़ा मजा आया यार जयपुर में इस बार। हाँ सीरियसली बहुत मजा आया। हाँ सच में बहुत अच्छी पार्टी थी। अरे यार, तुम लोग इतने एग्जाम टेंशन क्यों लेते हो यार? ये ज्यादा लेती है। एग्जाम की टेंशन छोड़ो, चलो चल के आइसक्रीम खाते सब लोग। मुझे भी आइसक्रीम खानी है। अरे डिसाइड कर लो पहले खाना क्या है। अरे हम लोग वहाँ चल के देखते हैं ना। अरे ये चीखने की आवाज सुनी तुम लोगों ने? हाँ यार, वहाँ से आई है ना। वहाँ से आई ना। हाँ चलो 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 चल के देखते हैं। चलो चलो। अरे यार, ये गाड़ी भगा रहा है। ओह माय गॉड, खून! किसी ने खून कर दिया इस औरत का। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। कॉल कर। हेलो सीआईडी। सर, लड़की के पेट में गहरा घाव, इसके अलावा इसके शरीर में और कोई निशान नहीं। शायद इसी चाकू से खून किया गया है। सर, लड़की तो अच्छे खासी घर से लगती है। और इतनी रात को यहाँ अकेली कर क्या रही होगी? आप लोगों ने फोन किया था? जी सर, मैंने ही फोन किया था। किसने मारा इस लड़की को? पता नहीं सर, हम मूवी देख के बाहर निकले तो इस औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी और यहाँ आके देखा तो ये मरी पड़ी थी। इस औरत के पास में किसी को देखा आप लोगों ने? नहीं सर। यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर। कुछ और देखा आप लोगों ने? हमने देखा साहब इस औरत को। कहाँ देखा साहब? वो पीछे हमारी चाय की दुकान है ना, तो ये औरत बार बार पीछे मुड़ मुड़ के सफेद वैन को देख रही थी। सफेद वैन? कौन बैठा था उस वैन के अंदर, उसको देखा? नहीं साहब, और उसके बाद ही हमारा ग्राहक आ गया ना, तो हम बिजी हो गए। अरे गाड़ी का नंबर तो देखा होगा? नहीं साहब, हमें सिर्फ सफेद वैन याद है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। लगता है उस सफेद वैन में कोई होगा, अंधेरे का फायदा उठा के फोन करके चला गया। सर, लड़की के वॉलेट से टिकट मिला है बस का। आईडी प्रूफ? नहीं सर, आईडी प्रूफ तो नहीं, पर्स खाली है। ये टिकट एक घंटे पहले बांडा से लिया गया। बैंड्रा से टिकट लिया गया है, तो हमें इस लड़के के बारे में बैंड्रा जाके ही पता लगाना पड़ेगा। सचिन एक काम करो, लाश को और चाकू को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर, ये एक्सरे देखिए। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? उनके तू चौंक क्यों गया? बस बात ही कुछ ऐसी है, आप लोग सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल इस औरत का खून नहीं हुआ है। नहीं, खून नहीं हुआ तो क्या इसने अपने आप को मार लिया? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मगर सर, ऐसा कैसे मुमकिन? मुमकिन है सचिन, बिल्कुल मुमकिन है। क्राइम सीन से आप लोगों को ये जो चाकू मिला है, इस पर इसी औरत की उंगलियों के निशान है, और इस चाकू की वजह से जो घाव इस औरत को लगा है, वो घाव भी यही बताता है कि इस औरत ने इस चाकू को खुद अपने आप मारा है। घाव देखिए, ये देखो बस, इससे साफ पता चलता है कि इस औरत ने आत्महत्या की है। आत्महत्या? मगर सर, सड़क के बीचों बीच कोई आत्महत्या क्यों करेगा? वही तो कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी, वरना कोई अपनी ही जान क्यों लेगा? सर, वो चाय वाला बता रहा था ना कि ये औरत बार बार मुड़कर एक सफेद रंग की वैन को देख रही थी। ये औरत एक सफेद वैन में आई थी साहब, और उतरने के बाद बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उसी वैन को देख रही थी। और सर, इस औरत के दाहिने पैर पर एक निशान, सर्जरी के टाकर के निशान। यार सड़ों के
बता सकता है किस तरह की सर्जरी हुई थी? बस इस औरत के टखनों का ऑपरेशन हुआ। दरअसल इसके टखने बुरी तरह से मुड़ गए और ऐसा अक्सर डांसर के टखनों में होता है। सर यानी ये एक प्रोफेशनल डांसर थी? हाँ हो सकता है, क्योंकि डांसर्स के शरीर का जरूरत से ज्यादा भार उनके टखनों पर आ जाता है रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से, और इसी वजह से उनके टखने मुड़ जाते हैं। ये समझो कि 5 में से 1 डांसर को ये बीमारी होती है। डांसर, अगर ये औरत डांसर थी तो फिर जरूर किसी न किसी डांसिंग स्कूल या डांस अकेडमी में जाती होगी। शहर में जितने भी डांसिंग स्कूल और अकेडमीज हैं पूछताछ करो वहां जाकर, और बांद्रा के बस स्टॉप के आसपास भी इस औरत के बारे में पूछताछ करो, इसका फोटो दिखा, किसी न किसी ने तो इसे जरूर देखा होगा। यहां तो किसी ने उस औरत को नहीं देखा, मगर औरत यहां किसी बस स्टॉप से बैठी थी उस बस में, और उस बस के टिकट में भी इस बस स्टॉप का नाम। सर हो सकता है वो औरत यहां कहीं आसपास से आई हो। हो तो सकता है, मगर आई कहां से होगी? सर आसपास के रिक्शा स्टैंड और टैक्सी स्टैंड से पता करते हैं, शायद किसी ने उसे देखा हो या यहां छोड़ के गया हो। ठीक है चलो। टैक्सी वाले ने तो इस औरत को नहीं देखा, रिक्शा वाले से पूछ के देखते हैं। अरे सुनो, इस औरत को यहां पे कहीं देखा? किसी के रिक्शा में बैठी हो? हाँ? नहीं दादा, इस औरत को यहां पे कहीं देखा? टैक्सी में बैठी हो रिक्शा में? हाँ साहब, इस औरत को जानता हूं मैं। जानते हो? कौन है ये? साहब कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन साहब मैं इसको अपने रिक्शे में बैठा के लेकर गया था। पक्का इसे ही लेकर गए थे? अरे हाँ साहब, इस औरत को कैसे भूल सकता हूँ साहब। कल जब मैं अपने दोपहर में रिक्शे में खाना खा रहा था तो ये औरत एकदम भागती हुई आई और मेरे रिक्शे में बैठ गई। मैंने कहा मैडम मैं अभी खाना खा रहा हूँ, मैं अभी भाड़ा नहीं ले जा सकता, तो ये मुझसे बोली मैं आपको 500 रुपये दूंगी, मुझे ले कर चलो। इतना भाड़ा मिलेगा तो कोई भी पागल नहीं है साहब, कैसे छोड़ सकते हैं साहब। कहाँ छोड़ा था? SN रोड पर साहब। SN रोड पर कहाँ? SN रोड के पास जो कॉलोनी है उसकी मार्केट में छोड़ा था साहब। सर SN रोड के पास SG कॉलोनी का मार्केट है। सर हो सकता है ये औरत SG कॉलोनी में रहती। अच्छा उस कॉलोनी में किस बिल्डिंग के पास छोड़ा था ये याद है? साहब छोड़ा तो मैंने बस स्टैंड पे था, पर वहाँ पर वो किसी से मिलने गई थी। किससे मिलने गई थी? उसका चेहरा देखा तुमने? किससे मिलने गई थी साहब ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब वो गई थी उसके हाथ में एक बैग था, और जब वो वापस आई तो खाली हाथ थी साहब। ठीक है थैंक यू। इसका मतलब वो SG कॉलोनी सिर्फ वो बैग छोड़ने के लिए गई थी। उस बैग में क्या था और वो बैग उसने वहाँ उस बिल्डिंग में किसे दिया था ये पता करने के लिए हमें SG कॉलोनी जाना पड़ेगा। चलो।
ये तो शीना है, हमारी ग्रुप की बहुत अच्छी डांसर है और इनफैक्ट आज वो हमारे साथ ही इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म भी करने वाली थी, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई। तो आपने इसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? हमने उसे कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कमाल है सर, शीना ने डांसिंग शो में परफॉर्म करने के बजाय कहीं और जाकर अपने आप को चाकू से मार डाला। शीना ने आत्महत्या कर ले? हाँ, हमें उसकी लाश मिली। ओह माय गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप लोग शीना के बारे में कुछ और बता सकते हैं? कोई परेशानी थी उसे, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? सर, वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी और मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम थी। हर रोज रिहर्सल में भी आती थी और इनफैक्ट नॉर्मल रहती थी हमेशा। उसका एड्रेस तो होगा ना आपके पास? जी सर। रेडी, शीना का एड्रेस ले लो, उसके घर जाना होगा। बताइए सर। सर वो बैग। जया, अरे तुम जाओ ना, शो शुरू होने वाला है, मैं एड्रेस दे देता हूँ, जाओ जाओ। एक मिनट, आप उसे बोलने दीजिए। क्या कह रही थी आप? सर वो शीना उस दिन अपना बैग ही भूल गई थी। बैग यहाँ पे? सर मेकअप रूम में रखा हुआ है। उस दिन जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो वो अपना बैग अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन जब वो गई तो अपने साथ ले जाना भूल गई थी। हमें वो बैग देखना है। जी सर, आइए। सर ये रहा उसका बैग, ब्लू बैग। ये वाला? यस सर। ये आवाज, ये तो घड़ी की आवाज है। मगर सर ये घड़ी की आवाज आ कहाँ से रही है? घड़ी बैग के अंदर से आ रही थी। बैग के अंदर कोई घड़ी क्यों रखेगा? घड़ी भी हो सकती है और बॉम्ब भी हो सकता है। My God. सर ये वही मार्केट है जिसके बारे में उस रिक्शे वाले ने बताया था। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस खड़ी है, जरूर कुछ हुआ है। Oh no. सब्जी मार्केट तो तहस नहस हो गया। जैन, क्या हुआ, क्या यहाँ पे? सर यहाँ बम ब्लास्ट हुआ है सर। बम ब्लास्ट? कोई कैजुअल्टीज? सर बम मीडियम इंटेंसिटी का था, चार लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। अच्छा, ये बम रखा कहाँ पे हुआ था? सर ये बम ये सामने वाली दुकान में एक नीले रंग के बैग में रखा था। कुछ पता चला उस बैग को इस दुकान में किसने रखा था? नहीं मैम, अभी तक पता नहीं चला। वैसे भी इस मार्केट में बहुत भीड़ रहती है। अच्छा वो बैग कहाँ है? सर ये सर चीथड़े उड़ गए इस बैग के। अच्छा यहाँ पे जितने भी फोटोग्राफ्स लिए हैं आप लोगों ने, हमें वो फोटोग्राफ चाहिए। ओके सर। सर उस रिक्शे वाले के मुताबिक वो औरत एक बैग के साथ आई थी लेकिन लौटी थी खाली हाथ। सर कहीं वो बैग ये तो नहीं? हो सकता है उसी बैग में ये बॉम्ब था और शायद वो औरत यहाँ वो बॉम्ब वाला बैग रखने के लिए आई थी। मगर सर उस औरत ने अपने आप को क्यों मार डाला? सबसे पहले तो मैं ये पता करना होगा कि वो औरत है कौन। हाँ जी, सब लोग बाहर निकलो, चलो जल्दी निकलो। मेकअप रूम में बॉम्ब है, सब लोग भागो यहाँ से, जल्दी जल्दी। हटिए हटिए।
साइड 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 हटिए हटिए कहाँ कहाँ बॉम्ब कहाँ उस रूम में सर उस रूम में सर बॉम्ब स्क्वाड को बुलाएं रजत इतना टाइम नहीं है हमें खुद डिफ्यूज करना पड़ेगा तुम सब लोग बाहर जाओ मैं इसे डिफ्यूज करने की कोशिश करता हूं यहां से कोई नहीं जा रहा है देख कुछ भी हो सकता है प्लीज सब लोग बाहर जाओ प्लीज अभिजीत सोच समझ के वायर काटना बस समझ में नहीं आ रहा है शीना ने उस कॉलोनी के मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट किया और यहां पे बॉम्ब रखा है चाहती क्या थी वो यहां इतने सारे लोग हैं इतने लोगों की जान खतरे में है कुछ तो खटक रहा है ये सब करने के पीछे उस औरत का क्या मकसद हो सकता है सर वो औरत बहुत चालाक थी सर उसने डांस स्कूल में जो एड्रेस और डिटेल्स दिए थे सब गलत थे यस सर हमने चेक किया ऐसा कोई एड्रेस नहीं है मतलब वो औरत अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहती किसी भी तरह हमें इस औरत के बारे में पता करना होगा वो कौन है क्या चाहती है और इस सबके पीछे उसके साथ कौन कौन शामिल है क्या क्या जानते हो तुम उस औरत के बारे में सर माहिम में मेरी गहनों की दुकान है ये औरत एक आदमी के साथ मेरी ज्वेलरी शॉप में आई थी कुछ खरीदारी की उन्होंने तुम्हारी दुकान से नहीं सर वो दोनों आपस में बहस करते हुए मेरी ज्वेलरी शॉप में आए थे औरत बार बार कह रही थी कि तुम मेरी बात नहीं मानते हो और फिर गुस्सा होकर के वहां से चली गई और जैसे ही वो औरत वहां से गई उस आदमी के मोबाइल पर एक फोन आया तुमने कुछ सुना क्या बात हो रही थी फोन पर हाँ सर 10 मिनट में हीरा पहुंचने की बात कर रहे थे हीरा इसके अलावा कुछ कहा उसने नहीं सर बस इतना ही कहा और चला गया ठीक है थैंक यू वेरी मच तुम जा सकते हो हीरा क्या क्या हो सकता है ये हीरा सर वो आदमी कह रहा था ना कि मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मतलब जहां वो जाना चाहता था वो ज्वेलरी शॉप के आसपास ही है जगह सब सब बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सब्जी मंडी इसकी जो फोटोज खींची गई थी उन फोटोज में एक अजीब सी बात है सर क्या सर कुछ फोटोज में ये आदमी दिख रहा है जो लगातार हमारी तरफ देखे जा रहा है जब हम तहकीकात कर रहे थे हाँ सर ये आदमी वैन में बैठ के हमारी ही फोटो खींच रहा है इस आदमी का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है ज़ूम करके देखो देखो साफ दिखाई पड़ता है क्या सर रघु ये तो रघु है अपराधी है ये क्रिमिनल है तो ये वैन कहीं वही वैन तो जिसके बारे में वो चाय वाला बता रहा था ये औरत एक सफेद वैन में आई थी साहब और उतरने के बाद बार बार पीछे मुड़ मुड़ के उसी वैन को देख रही थी जरूर उस वैन में भी रघु ही होगा सर कैसे ये रघु कैसे हो सकता है रघु तो सजा काट रहा है 7 साल की सजा सचिन राजपुरा जेल में फोन करके पता लगाओ रघु के बारे में हाँ। सर कहीं दो दो रघु तो नहीं है अभी पता चल जाएगा पूर्वी अभी पता चल जाएगा लेकिन सर रघु जैसे क्रिमिनल का एक प्रोफेशनल डांसर के साथ क्या संबंध हो सकता है कोई ना कोई तो संबंध है प्रेडी रघु का उस प्रोफेशनल डांसर के साथ कोई ना कोई संबंध है ओके थैंक यू सर जेलर साहब का कहना है कि रघु अभी भी जेल में है पैरोल पे भी नहीं छोड़ा गया उसे रघु अभी भी जेल में है अगर रघु अभी भी जेल में है तो फिर ये कोई दूसरा ही रघु है रघु का हमशक्ल कौन हो सकता है जो बिल्कुल रघु की तरह दिखता है सचिन ढेचू को काम पे लगाओ तो उसे पता लगाए इस दूसरे रघु के बारे में
कहिए सर, कैसे याद किया मुझे? इस आदमी के बारे में क्या बता सकते हो? ये सर, ये तो रघु है, रघु। थैंक यू देसी जी। अब इसके बारे में कुछ नई बात बताएंगे आप? सर, ये रघु है और ये बहुत ही बड़ा अपराधी है सर, और इस समय जेल में सजा काट रहा है। ये सब हम जानते हैं, तो और क्या बताऊं? ये रघु नहीं है। क्या? ये आदमी रघु जैसे दिखता है, इसके बारे में पता करना है तुम्हें। हैं? क्योंकि ये उस जगह पर था जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुए और ये हमारी तस्वीरें खींच रहा था। रघु का हम शक्ल, ये कौन हो सकता है? ये तुम्हें पता लगाना है। सर आप चिंता मत कीजिए सर, ये ढेंचू के बाएं हाथ का काम है। सर आप लोग ढेंचू द खबड़ी के पास आए हो, मैं इसे कहीं से भी ढूंढ कर आपके सामने ला के रख दूंगा। सर सब जगह तो चेक कर लिया, ज्वेलरी शॉप से 10 मिनट की दूरी पर ना ही कोई रेस्टोरेंट है ना ही कोई होटल। हाँ सर, एक ही बिल्डिंग मिली है, हीरा अपार्टमेंट। हाँ सर, ये हीरा अपार्टमेंट ज्वेलरी शॉप से 10 मिनट की दूरी पे है। तो हो सकता है कि उसका पति फोन पे इसी हीरा अपार्टमेंट की बात कर रहा होगा। यहाँ पूछते हैं, अगर वो लोग यहीं रहते थे तो उस औरत को जरूर कोई ना कोई पहचानता होगा। एक्सक्यूज मी मैडम। जी कही, कौन से फ्लैट में जाना है आपको? ये तो हमें भी पता नहीं है। क्या है कि हम लोग सीआईडी से, वो सीआईडी, वो भी हमारी सोसाइटी में? नहीं नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं आप लोगों को, हम लोग थोड़ा पूछताछ करने आए हैं। रेडी, फोटो दिखाना है इनको। इनको देखा है आपने? हाँ, ये तो रूबी है। रूबी? हाँ सर, ये इसी बिल्डिंग में रहती है। ओ, और क्या जानते हैं आप इस रूबी के बारे में? सर ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ शिफ्ट हुई है, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि यहाँ अपने पति और दो बच्चों के साथ रहती है। अच्छा, ये कौन से फ्लोर पर रहती है? थर्ड फ्लोर पर। सर कुछ दिनों से ये नजर नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके। पता नहीं वो जानता भी है कि नहीं कि उसकी औरत ने आत्महत्या कर ली है। सारा सामान वैसा का वैसा ही है, लेकिन रूबी का हस्बैंड और उसके बच्चे कहाँ गायब हुए? तलाशी लो करके, देखो कुछ मिलता है क्या। ये देखिए सर, मुंबई का नक्शा, इस पर जगह जगह स्केच भी बने हुए हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग निशान बनाए हैं। यहाँ पे कुछ स्टेज जैसा बना हुआ है और यहाँ पे वेजिटेबल मार्केट का निशान। इसका क्या मतलब हो सकता है? रेडी, ये वही जगह है जहाँ पे पहला बम ब्लास्ट हुआ था। ये स्टेज वाली जगह वही जगह हो सकती है जहाँ पे डांचो हो रहा था, हमने बॉम्ब डिफ्यूज भी किया था वहाँ। मतलब सर, जहाँ जहाँ पर ये निशान बनाए गए हैं वहाँ वहाँ पर वो लोग ब्लास्ट करते जा रहे हैं। मतलब सर अगला ब्लास्ट इस जगह पे होने वाला है। यहाँ पे कैमरे का निशान है, मतलब ये जरूर किसी फिल्म की लोकेशन है। हमें जल्द से जल्द इस लोकेशन का पता लगाना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि रूबी का फिल्म के शूटिंग से क्या कनेक्शन है। कोई ना कोई वजह तो होगी जो उन लोगों ने ये जगह चुनी है ब्लास्ट के लिए। देखिए, आप गाड़ी में हैं और गाड़ी पीछे से आएगी, आपने गाड़ी से बचना है और आपने यहां आकर लहराते हुए इस जगह पे आकर गाड़ी रोकनी है। ठीक है? ओके, टेकिंग सर।
चलिए आप गाड़ी को पीछे लेके जाइए। मैप पे जो कैमरा बना था उसके हिसाब से तो यही लोकेशन है, यहीं पे कुछ होने वाला है। सर आस पड़ोस से पता लगा है कि रूबी ने दूसरी शादी कर ली किसी नितिन नाम के आदमी से, और उसका पहला पति शूटिंग में स्टंटमैन है अर्णव। अर्णव रेडी? ओके रोल। अर्णव? वही अर्णव तो नहीं, इसे रोकना होगा, हो सकता गाड़ी में ही बाऊंगा। एक्शन। गाड़ी के चितड़े चितड़े उड़ गए सर, अर्णव का बचना मुमकिन नहीं है। अब जल्द से जल्द रूबी के पति नितिन को ढूंढना होगा। ढेंचू, आज तुम्हारी बात गलत साबित होने वाली है। कहाँ है वो आदमी? ढेंचू की बात आज तक न गलत हुई है न आगे होगी। चुपचाप खड़े रहो, मैंने कह दिया तो कह दिया, वो आएगा तो जरूर आएगा। ढेंचू की बोली और बंदूक की गोली एक समान। यार हम लोग यहाँ गर्मी में खड़े खड़े पिघल जाएंगे। पंकज हम लोग सीआईडी में है, किसी ऑफिस के क्लर्क नहीं है। Have patience. सर, भैया सर, वो देखिए सर, यही है रघु का दाहिना हाथ, बार किया। क्रिमिनल पकड़े जाने के बाद यही बोलता है, पर हर बार मुझे वही करना पड़ता है। हमें पता है कि रघु जेल के अंदर बैठकर गैर कानूनी काम करवाता है, और शहर में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे भी रघु का ही हाथ है। सब बम ब्लास्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर, सब मैंने तो रघु के साथ ही छोड़ दिया। अच्छा एक मिनट सर। झूठ बोल रहा है सर, ये रघु का दाहिना हाथ है, पर ये नामुमकिन है कि इसे कुछ भी ना पता हो। देख बहुत गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में मेरा दिमाग गर्म मत कर। देखा था आपने, सब वो रघु ही था। क्या मतलब रघु जेल में नहीं है? नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? जेलर साहब ने तो कहा था कि रघु जेल में, फिर वो आदमी रघु कैसे हो सकता है? साहब जेल में जो आदमी है वो रघु नहीं है, रघु का हम शक्ल उसका छोटा भाई वरुण है, और वो रघु की जगह जेल में सजा काट रहा है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। और क्या बता सकते हो रघु के बारे में? रघु जेल जाने से पहले कोई अधूरा काम पूरा करना चाहता था। क्या काम, क्या करने वाला है? मुझे नहीं मालूम सर, उसने कभी मुझे बताया नहीं साहब। ये बड़ा काम क्या होगा सर? हमें जल्द से जल्द ये पता करना पड़ेगा उसका ये बड़ा काम क्या है। रघु ने अपनी जगह पे जेल में अपने छोटे भाई को भेजा है, मतलब वो शहर में कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है। चल रूबी, रूबी ये दो बच्चों की माँ ऐसा आतंक क्यों फैलाएगी? यकीन नहीं होता मुझे। और सर फिर उसने खुद को भी मार डाला। वही तो, और अब उसका पति और बच्चे भी गायब है। उसने सब्जी मंडी और डांस हॉल दोनों जगह बॉम्ब रखा, ये काम वो अकेले तो नहीं कर सकती सर। सर कहीं रूबी के पति नितिन का हाथ तो नहीं है इसमें, इसलिए वो गायब है? मुझे तो लगता है रूबी के पहले पति अर्णव को नितिन ने ही मारा है, नितिन ने। पर सर नितिन अर्णव को क्यों मारेगा? हो सकता है रूबी का अर्णव के साथ अभी भी अच्छे संबंध हो, जो नितिन को पसंद नहीं थे इसलिए मार डाला होगा। लेकिन सर वो रघु का दोस्त तो कह रहा था कि रघु कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है। हाँ, ये रघु कोई बहुत बड़ा कांड करने वाला है, पर क्या क्या? वो नक्शा निकालो जो हमें रूबी के घर से मिला था।
जरूर उसमें कोई ना कोई सुराग मिलेगा। निकालो जल्दी सर। हाँ कोई ना कोई निशान तो उसने जरूर बनाया होगा। सर वो फिल्म शूटिंग के दौरान जब अर्णव को मारना चाहता था तो उसने उस जगह पर कैमरे का निशान बनाया। हाँ एग्जैक्टली, इस बार उसने कोई अलग निशान बनाया होगा। अच्छी तरह से देख रहे हैं ट्रेन का पिक्चर। माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी रेलवे स्टेशन या ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है। सर नक्शे में जो निशान बना हुआ मिला है उसके हिसाब से अगला निशाना बिंदुपाड़ा रेलवे स्टेशन। बिंदुपाड़ा रेलवे स्टेशन? इस वक्त तो न जाने कितने लोग होंगे वहाँ पे। ये बॉम्ब फट गया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। शायद इसलिए स्टेशन को टारगेट बनाया गया। सर पता नहीं किस तरीके का बॉम्ब प्लांट किया होगा। बॉम्ब स्क्वाड को फोन किया? हाँ सर। और पुलिस को? हाँ सर। हमें किसी भी तरह बॉम्ब फटने से पहले उसे डिफ्यूज करना है वरना हजारों लोगों की जान जा सकती है। पहले बम ढूंढते हैं नहीं तो बिना मतलब अफरा तफरी मच जाएगी। कृपया लक्ष्य स्वीकार। जर आपल्याला कुठेही कोणतीही अपरिचित किंवा संशयास्पद वस्तू दिसली तर त्या वस्तूला हात लावू नये। मुंबई से कलकत्ता जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 2 घंटे देरी से चल रही है। यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए हमें खेद है। कचरे के डब्बे में बम? यात्री कृपया ध्यान दीजिए, जनता एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 घंटे देरी से चल रही है। वायर तो स्टेशन के चारों तरफ फैला हुआ है। ये बम मिल गया है, यहाँ फुटओवर ब्रिज के नीचे है, कचरे के डब्बे में। जल्दी हाँ दया, यहाँ कचरे के डब्बे में और इसके वायर चारों तरफ फैला कर रखे हैं। अरे अच्छा वो आप लोग आ गए इस तरफ। जी स्टेशन से सबको बाहर निकालना पड़ेगा जल्दी। पूर्वी एक काम करो, अनाउंसमेंट करवाओ स्टेशन में, जितने लोग हैं सबको बाहर निकालना होगा जल्दी। सर 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 बॉम्ब स्क्वाड आ गई है। आप लोग जल्दी से जल्दी बॉम्ब डिफ्यूज कीजिए, हम लोग बाहर निकालते हैं लोगों को। सारे यात्रियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द स्टेशन खाली करें, स्टेशन पर खतरा है। हेलो आप देख रही भाग लिए जल्दी जाओ, निकलो निकलो यहाँ से, चलिए जल्दी इस तरफ चलिए, निकलिए आप लोग स्टेशन से बाहर जल्दी। आ जाओ मर जाओ। बहुत शौक है तुझे गोली चलाने का, हाँ? चल मैं प्रैक्टिस करवाता हूं तुझे, चल। किसके कहने पे कर रहा है? किसके कहने पे कर रहा है?
बॉस, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर अचानक सीआईडी वाले अटक गए, सारे बम डिफ्यूज कर दिए, अब कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा। मैं एक घंटे में पहुंचता हूं, आप वहां पे तैयार रहना। सर देखिए, रूबी के पति और उनके बच्चों को बंदी बना के रखा है। अरे ये मैनेजर अमित। अरे तुम जाओ ना, शो शुरू होने वाला है, मैं एड्रेस दे देता हूँ, जाओ जाओ। अच्छा अच्छा, इसीलिए उस दिन ये इतनी जल्दी में था। ये नहीं चाहता था कि डांसर हमें उस बैग के बारे में बताए जिसमें बॉम्ब रखा हुआ था। सर, सर वो आदमी कौन है? उसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। ये गड़बड़ी कैसे हुई अमित? पता नहीं, सीआईडी कहां से अटकी? निकल, जल्दी निकल। सीआईडी वाले के नाक कुत्ते के हैं, सूंघते सूंघते कभी भी यहां आ सकते हैं। इनका क्या करें? हमें हमें यहां से जाने दो प्लीज। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे हम किसी से। अब इन्हें भी यहां से साथ ले चलो, बाद में देखते हैं क्या करना है। हाँ, अगर इनको यहां छोड़ दिया और सीआईडी वाले आ गए, ये सब कुछ बता देगा। ले चल इसको, चलो उठाओ। छोड़ दो। सीआईडी? हाँ सीआईडी, क्या करे, तुम लोग इतना याद कर रहे थे, आना ही पड़ा स्वागत के लिए। भागोगे तो मारे जाओगे। चल चल चल। मिस्टर अर्नव, अर्नव जी जिंदा है, मरे नहीं है। अच्छा, तो शूटिंग में तुम्हारा एक्सीडेंट और एक्सीडेंट में तुम्हारी मौत, तो सब एक नाटक था। बता। हाँ सर, मैंने नितिन उसके बच्चों को किडनैप किया था, मुझे माफ कर दीजिए सर। क्यों क्यों किया तुमने ये घिनौना अपराध? सर, रघु ने मुझे मजबूर किया था। कैसी मजबूरी? सर, अर्नब ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वो दे नहीं रहा था। शहर में मुझे तबाही मचानी थी, बॉम्ब ब्लास्ट करके दहशत फैलाना था। पैसे के बदले में मैंने ये काम इसे सौंपा। और तुमने अपनी एक्स वाइफ रूबी को भी इन सब में शामिल कर लिया? हाँ सर, क्योंकि मैं रूबी से बदला लेना चाहता था। बदला? कैसा बदला? सर, रूबी ने मुझे तलाक दे दिया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसलिए मैंने नितिन और उसके बच्चों को किडनैप कर लिया और रूबी को धमकाया कि अगर वो अपने पति और बच्चों को सही सलामत देखना चाहती है तो
तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। और सर, मेरे कहने पे उसने डांस स्कूल और सब्जी मंडी में बॉम्ब प्लांट किया सर। तो डांस स्कूल में बॉम्ब रखा है ये हमें जानता था, है ना? सर, मुझे इसने पैसे का लालच दिया था, इसीलिए कॉन्सर्ट में तुमने उस डांसर को शो की तैयारी में लगा दिया ताकि उस बैग के बारे में हमें वो कुछ ना बताए और बॉम्ब फट जाए। तो फिर रूबी ने आत्महत्या क्यों की? दबाव में आके मैंने उसे कहा था आत्महत्या करने, क्योंकि अगर वो जिंदा होती कभी न कभी बात बाहर आती। सर, लोगों ने मेरे हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। इन्होंने ना सिर्फ तुम्हारे हंसते खेलते घर को बर्बाद किया बल्कि देश में आतंक फैलाने की भी कोशिश की। इन तीनों को तो फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।